मुश्ताक अली साहब, आप जुड़ चुके हैं वाइस एमपी से। इस वक्त हम मौजूद हैं मतगणना स्थल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से माहौल पार्षदों का देखा जा रहा है कि 153 जो लोग हैं, आज उनके भाग्य का वो किस्मत का ताला खुलने वाला है। ऐसे हम बात करेंगे भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर जो निर्दलीय प्रत्याशी, उनसे बात करेंगे किस तरह से वो मुस्तैद रहे हैं और क्या उनका मानना है कि क्या वो जीत पाएंगे या आगे क्या कर पाएंगे। हाँ बताइए मुरली भैया, जिस तरह से आपने एक वार्ड नंबर 18 से दावा किया है, जीत का दावा करते हैं, क्या कहेंगे आप? ये समीकरण सब चेंज हो दिया था, उसके पश्चात में हमने निर्णय लिया, क्योंकि हम यथावत स्थान पे हैं और जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हमेशा जनता की बात करते हैं, और जनता की बात ना करने पर भी हमने वाकायदा अवगत करवाया। अवगत के पश्चात में अगर हमको नहीं माना तो हम निर्दलीय प्रत्याशी में आ गए, रूप में मैदान में उतर गए, और इसके पश्चात में हमको जनता ने बहुत भरपूर सहयोग दिया है। उसी सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से और जनता के सहयोग से हम भारी बहुमत से जीत प्राप्त करेंगे और बताएंगे कि देखो क्या होता है ये। और जनता चाहती है तो ऊंचे शिखर पर ले जा सकती है, तो नीचे भी धरासर पर ला भी सकती है। ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 18 से मुरली कुमार निर्दलीय पार्षद, जिन्होंने जीत का दावा किया। वहीं वार्ड 22 से जो निर्दलीय भाजपा से जो नाराज होकर जिन्होंने भरा है, दिलीप शर्मा, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है? हाँ दिलीप, बताइए। मुझे वार्ड में जनताओं का भरपूर आशीर्वाद मिला है। जनता की सोच थी कि एक अच्छा व्यक्ति, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति समाज सेवा के लिए खड़ा हो, और जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे वार्डवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनके मतदाताओं पर मैं खरा उतरूँगा और वार्ड के विकास के लिए चाहूँ और प्रयास। इनका भी मानना है कि मुझे वार्डवासियों ने काफ़ी समर्थन दिया, काफ़ी आशीर्वाद दिया है, तो मैं इस बार जो है अगर जीतता हूँ तो वार्डवासियों के लिए विकास कार्यक्रम। बात करते हैं आप किस वार्ड से? वार्ड नंबर 14 से मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर का महामंत्री था, दीनदयाल में सुनील तिवारी। मैंने मेरे घर से छोटे भैया की मिसेज के लिए टिकट मांगा था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं देते हुए भारी प्रत्याशी जो किरण शर्मा है उनको टिकट दिया है, और वार्डवासियों कहने पर फिर मैंने फार्म भी नहीं उठाया और हम पूरी दम खम लगा के हमने चुनाव लड़ा और सबका आशीर्वाद मिला और सब अच्छा होगा। तो देखा जिस तरह से आपने देखा कि भाजपा से नाराज जो है तीनों निर्दलीय से, जो अब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा ने इस बार टिकट को लेकर नए नए लोगों को मौका दिया है, हम पुराने लोगों को मौका नहीं दिया है। इस बार जो है हमें लगता है कि जनता का हमें पूरा समर्थन मिला और इस बार जीत हमारी पक्की है। वाइस ओ एम पी के लिए मुश्ताक अली साहब की रिपोर्ट।